स्थापित संस्था सेक्रेटरी सो योगदान ने 30 से भी अधिक वर्ष पूर्व भूतपूर्व राष्ट्र तो ऐसा मार दीजिए 1 2 7 8 9 रिलैक्स करते हैं से देखें जैसे कोई और इश्यू को कि आज का जो युग है वो आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति और मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति जितनी भी क्रिया करती है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सुख और शांति। लेकिन इस भौतिकवाद के युग में जो खासकर भारत के लोग इस भौतिकता के सुख तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन जो आत्मिक सुख जो आध्यात्मिक सुख वो आध्यात्मिक सुख को हम छोड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में एक मनुष्य को भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, तो दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए पैसे की भी जरूरत है, लेकिन पैसा ही दुनिया में कुछ नहीं है, तो किसी पैसे के कमाने के चक्कर में आप देख रहे हैं कि भौतिकवाद में डिप्रेशन, टेंशन, तरह तरह की बीमारियां, ये भौतिकवाद के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे समय में एक मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, उस शरीर के अंदर आत्मा बुद्धि तो सबको सुख चाहिए। सिर्फ पेट भरना से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, उस शरीर के अंदर जो आत्मा उसे भी सुखी नहीं हो सकता, बुद्धि है उसे भी सुख मिलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास देता है। की ओर से मुख्यमंत्री जी